प्रो कबड्डी सीजन 8 में हरियाणा स्टीलर्स के क्या स्क्वाड रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हरियाणा स्टीलर्स की फुल स्क्वाड जो प्रो कबड्डी सीजन 8 में रहने वाली है। तो गाइस, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कबड्डी की कंटेंट आपको इस चैनल पर डेली देखने को मिलते रहेगी। सो गाइस, बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कैप्टन की। तो गाइस, यहाँ पे ऑफ कोर्स कैप्टन रहने वाले धर्मराज चलराथन। गाइस, धर्मराज चलराथन जो डिफेंडर राइट एंड लेफ्ट कवर के, लाइफ टेन रेड कॉर्नर के, यानी कि कोई भी कॉर्नर पे अच्छा डिफेंडिंग कर लेते हैं। तो गाइस, बात करते हैं अगले प्लेयर की। तो अगले प्लेयर में नाम निकल के आता है आमिर हुसैन मलिकी का। दोस्तों, आमिर हुसैन मलिकी रेडर है। फिर दोस्तों, बात करते हैं अगले प्लेयर की। तो गाइस, अगले प्लेयर में नाम निकल के आता है अरुण कुमार का। दोस्तों, अरुण कुमार भी रेडर है। फिर दोस्तों, बात करते हैं अगले प्लेयर की। तो अगले प्लेयर में नाम निकल के आता है नवीन का। दोस्तों, नवीन भी रेडर है। फिर दोस्तों, बात करते हैं अगले प्लेयर की। दोस्तों, अगले प्लेयर में नाम निकल के आता है प्रशांत कुमार राय का। दोस्तों, प्रशांत कुमार राय भी रेडर है। फिर दोस्तों, बात करते हैं अगले प्लेयर की। तो अगले प्लेयर में नाम निकल के आता है सेल्वा मनी के का। दोस्तों, सेल्वा मनी भी रेडर है। फिर दोस्तों, बात करते हैं अगले प्लेयर की। दोस्तों, अगले प्लेयर में नाम निकल के आता है विकास सिलर का। दोस्तों, विकास सिलर भी रेडर है। फिर दोस्तों, बात करते हैं अगले प्लेयर की। तो अगले प्लेयर में नाम निकल के आता है विकास कंडोला का। दोस्तों, विकास कंडोला भी रेडर है। फिर दोस्तों, बात करते हैं अगले प्लेयर की। दोस्तों, अगले प्लेयर में नाम निकल के आता है रवि कुमार का। दोस्तों, रवि कुमार है जो डिफेंडर राइट कवर के है। फिर दोस्तों, बात करते हैं अगले प्लेयर की। दोस्तों, अगले प्लेयर में नाम निकल के आता है विकास काले का। दोस्तों, विकास काले भी डिफेंडर राइट कवर के है। फिर दोस्तों, बात करते हैं अगले प्लेयर की। दोस्तों, अगले प्लेयर में नाम निकल के आता है सुनील का। दोस्तों, सुनील डिफेंडर राइट कॉर्नर के है। फिर दोस्तों, बात करते हैं अगले प्लेयर की। दोस्तों, अगले प्लेयर में नाम निकल के आता है परवीन का। दोस्तों, परवीन है जो डिफेंडर लेफ्ट कवर के है। फिर दोस्तों, बात करते हैं अगले प्लेयर की। तो अगले प्लेयर में नाम निकल के आता है विक्रम कंडोला का। दोस्तों, विक्रम कंडोला डिफेंडर लेफ्ट कवर के है। फिर दोस्तों, बात करते हैं अगले प्लेयर की। तो अगले प्लेयर में नाम निकल के आता है चांद सिंह का। दोस्तों, चांद सिंह डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर के। फिर दोस्तों, बात करते हैं अगले प्लेयर की। दोस्तों, अगले प्लेयर में नाम निकल के आता है कुलदीप सिंह का। दोस्तों, कुलदीप सिंह भी डिफेंडर है। तो गाइस, ये रही पूरी स्क्वाड। अब बात करते हैं कौन कौन से नए प्लेयर्स को हरियाणा स्टीलर्स टारगेट कर सकती है प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में। तो गाइस, यहाँ पे बात की जाए तो मुझे लगता है कि डिफेंडर्स को ज्यादा टारगेट करेगी और ऑलराउंडर्स को ज्यादा टारगेट करेगी। ये दो सेक्शन में हरियाणा स्टीलर्स की टीम थोड़ी कमजोर दिख रही है। बात किया रेडिंग में, तो रेडिंग में भी एक दो प्लेयर अगर खरीद लेती तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिफेंडर एंड ऑलराउंडर को टारगेट प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में हरियाणा स्टीलर्स की टीम करने वाली है। और हाँ गाइस, ये जो वीडियो है ये प्रोबेबल स्क्वाड है, कंफर्म स्क्वाड नहीं है। इसमें अभी भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो गाइस, फिलहाल बस इस वीडियो में इतना है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को आपको चैनल पर देखने को मिलते रहेगी। और हाँ गाइस, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने बाकी सब बहुत सारे टीम्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आपको सभी टीम्स की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।